नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। सदियों से सनातन परंपरा में मंदिर आस्था और उपासना के केंद्र रहे हैं। भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका रहस्य विस्मय और कौतूहल से भरा है। आइए जानते हैं देश के ऐसे ही 9 मंदिरों के बारे में जिसे जानकर हर कोई विस्मय में पड़ जाता है। नंबर 9, मां सिमसा का रहस्यमयी मंदिर। विज्ञान भी है हैरान, सपने में यहां मां सिमसा देती है संतान प्राप्ति का वरदान। माता सिमसा मंदिर हिमाचल के मंडी जिले के सिम्स गांव में है। मंदिर की दूरी बैजनाथ से 25 किलोमीटर और जोगिंदर नगर से लगभग 50 किलोमीटर है। ये एक अनोखा मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में साक्षात विराजमान है मां सिमसा, जो महिलाओं की सूनी गोद भरने का वर देती हैं। मंदिर में निसंतान महिलाओं के फर्श पर सोने पर मां सिमसा उन्हें संतान का आशीर्वाद देती है। यह मंदिर संतान दात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। मां यहां पिंडी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार अगर कोई महिला मंदिर के फर्श पर भक्तिभाव और विश्वास से सोती है तो माता सिमसा उसके सपने में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि अगर स्वप्न में मां महिला को कोई फल या फूल देती है तो महिला को संतान प्राप्ति होना निश्चित है। इस मंदिर में नवरात्रों में भारी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि नवरात्रों में ही महिलाएं यहां आकर सोती हैं और संतान प्राप्ति का वर प्राप्त करती हैं। लिंग का भी मां देती है संकेत कि होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री। कहा जाता है कि अगर सपने में महिला को मां से केले या अमरूद का फल मिलता है तो उसका अर्थ है कि उसे पुत्र होगा, और अगर भिंडी या लौकी मिलती है तो इसका अर्थ है कि महिला की होने वाली संतान लड़की है। चमत्कार वाली बात यह भी है कि माता सिमसा अपने भक्तों को यह तक बता देती हैं कि उनकी संतान नहीं होगी या बहुत देर से होगी, अगर महिला को सपने में कोई धातु या लकड़ी से मिली, कोई ठोस वस्तु प्राप्त हो, तो इसका मतलब है महिला की संतान नहीं होगी या फिर देर से होगी। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है जहां स्नान करने के बाद ही महिलाएं मंदिर के बरामदे में सोती हैं ताकि सपने में आकर मां उनको संतान का वर दें। अगर संतान न होने का सपना आने के बाद भी कोई महिला यहां सोती है तो मां को यह मंजूर नहीं होता। महिला को चींटियां काटने लगती हैं और शरीर पर लाल निशान पड़ने लगते हैं, फिर उनको वहां से जाना ही पड़ता है। मंदिर की एक और अद्भुत बात है मंदिर के पास की चमत्कारी शिला। इस शिला को अगर हम अपने दोनों हाथों से हिलाएंगे तो यह नहीं हिलेगी, और अगर छोटी उंगली से हिलाने की कोशिश करेंगे तो यह हिल जाएगी। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है। निसंतान महिलाएं यहां अपनी गोद भरने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि राज्यों से आती हैं। नंबर 8, लेटे हुए हनुमान जी का रहस्यमयी मंदिर। यहां हनुमान जी की मूर्ति छूने से आ जाता है पिछला जन्म याद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है, जिसके स्पर्श करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पिछला जन्म याद आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अकबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसे गठिया रोग हो गया था। इसके विपरीत एक कहानी और भी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार करीब 1582 में मुगल शासक अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वह यहां भी आया था। अवध, मगध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहां एक किले का निर्माण कराया। अकबर इस किले में हनुमान जी को ले जाना चाहता था। उसने मंदिर से मूर्ति को हटाने की बेहद कोशिश की, पर मूर्ति अपने स्थान से हिली भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी अकबर के सपने में आए, जिसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। नंबर 7, भगवान जगन्नाथ का कानपुर वाला चमत्कारिक मंदिर। यह मंदिर करता है बारिश की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे बेहटा गांव में एक ऐसा मंदिर है
जो बारिश आने की पूर्व भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहां अक्सर देखा गया है कि तेज चिलचिलाती धूप में भी कई बार इस मंदिर की छत से अचानक ही पानी टपकने लगता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह घटना वर्षा होने के लगभग 6-7 दिन पहले होती है। आश्चर्यजनक बात यह है, जैसे ही बारिश आरंभ होती है, मंदिर की छत से टपकता पानी अपने आप ही बंद हो जाता है। यह वास्तव में हैरान कर देने वाला तथ्य है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के इस अति प्राचीन मंदिर में हमेशा ऐसा होता आया है। नंबर 6, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। महादेव की नगरी में 400 सालों से टेढ़ा है यह मंदिर, महीनों तक रहता है पानी के अंदर। रत्नेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह लगभग 400 सालों से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। सावन के महीने में भी रत्नेश्वर महादेव मंदिर में ना तो बोलबम के नारे गूंजते हैं और ना ही घंटा घड़ियाल की आवाज सुनाई देती है। महाश्मशान के पास बसा करीब 300 बरस पुराना यह दुर्लभ मंदिर आज भी लोगों के लिए आश्चर्य ही है। यह मणिकर्णिका घाट के नीचे बना है। घाट के नीचे होने के कारण यह मंदिर साल में 8 महीने गंगा जल में आधा डूबा हुआ रहता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य। इस मंदिर के अजीबो गरीब रहस्य हैं। पहले इस मंदिर के छज्जे की ऊंचाई जमीन से, जहां 7 से 8 फीट हुआ करती थी, वहीं अब केवल 6 फीट रह गई है। वैसे तो ये मंदिर सैकड़ों सालों से 9 डिग्री पर झुका हुआ है, पर समय के साथ इसका झुकाव बढ़ता जा रहा है, जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। वैसे तो ये मंदिर लगभग 300 साल से एक तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से लोग इस मंदिर की तुलना पीसा की मीनार से भी करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात है, यह मंदिर 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है। बाढ़ के दिनों में 40 फीट से ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पानी पहुंच जाता है। बाढ़ के बाद मंदिर के अंदर सिल्ट जमा हो जाता है। मंदिर टेढ़ा होने के बावजूद ये आज भी कैसे खड़ा है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता है। मंदिर के रहस्य को लेकर प्रचलित हैं कथाएं। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जिस समय रानी अहिल्याबाई होलकर शहर में मंदिर और कुंडों आदि का निर्माण करा रही थी, उसी समय रानी की दासी रत्नाबाई ने भी मणिकर्णिका कुंड के समीप एक शिव मंदिर का निर्माण कराने की इच्छा जताई, जिसके लिए उसने अहिल्याबाई से रुपये भी उधार लिए और इसे निर्मित कराया। पर जब मंदिर के नामकरण का समय आया तो रत्नाबाई इसे अपना नाम देना चाहती थी, लेकिन अहिल्याबाई इसके विरुद्ध थी। इसके बावजूद भी रानी के विरुद्ध जाकर रत्नाबाई ने मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव रख दिया। इस पर अहिल्याबाई नाराज हो गई और श्राप दिया कि इस मंदिर में कोई भी दर्शन पूजन नहीं कर सकेगा, जिसके बाद मंदिर टेढ़ा हो गया। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक एक संत ने बनारस के राजा से इस मंदिर की देखरेख करने की जिम्मेदारी मांगी, मगर राजा ने संत को देखरेख की जिम्मेदारी देने से मना कर दिया। राजा की इस बात से संत क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि ये मंदिर कभी भी पूजा के लायक नहीं रहेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि उज्जैन आकाश और धरती का केंद्र है। यहां के एक ही राजा हैं और वो हैं कालों के काल महाकाल। यहां अनेक मंत्र जप और अनुष्ठान होते हैं। तंत्र क्रियाओं के लिए भी ये जगह जानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहां कोई राजा नहीं रुकता है। यहां तक कि बड़े राजनीतिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि भी रात में यहां नहीं रुकते। इसका राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीतिज्ञों और पुराने राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश करती हैं कि वो उज्जैन की सीमा में रात को बिल्कुल भी न रुके। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि
यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। यहां पेड़ के नीचे जब भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे तो एक शिकारी ने उनके अंगूठे को एक हिरण का आंख समझकर गलती से बाण चला दिया और ये बाण उनके अंगूठे में लगा और इसी बहाने से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। गुजरात में मौजूद यहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले नंबर पर आता है और इस मंदिर में एक चीज लिखी हुई है जो कि इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। इस जगह पर संस्कृत में यह लिखा हुआ है कि जब आप इस मंदिर से एक बाण को साउथ पोल के तरफ चलाओगे तो इस मंदिर और एंटार्कटिका के बीच में कोई भी आइलैंड नहीं आएगा। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब आप गूगल मैप पर इसे देखोगे तो सच में इस मंदिर से लेकर एंटार्कटिका के बीच में कोई भी आइलैंड नहीं आता है। नंबर 3, स्याही देवी माता का मंदिर। इस मंदिर की देवी बदल लेती हैं 3 रंग। स्याही देवी माता का मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में शीतल खेत की पहाड़ियों पर जंगल के बीच में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। कहने का मतलब यह है कि यहां देवी माता के 3 रूप 3 रंगों में नजर आते हैं। कहते हैं इस मंदिर में सुबह के समय माता सुनहरे रंग में दिखाई देती हैं तो दिन में स्याह यानी काला और शाम में सांवले रंग में दर्शन देती है। देवी की मूर्ति के रंग बदलने का रहस्य कोई भी नहीं जानता है। नंबर 2, सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर। होते हैं कई रहस्यमयी चमत्कार यहां, रह जाते हैं सब हैरान। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में खेड़ापति नाथ हनुमान जी मंदिर में स्थापित मूर्ति को छूते ही आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। करीब 300 साल पुराना मंदिर लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे ट्रैक के बीच बोलाई स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्त को स्पर्श करने से पूर्व आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और भी कई कहानियां हैं, जैसे कि यहां मंदिर के सामने से निकलने से पहले ही ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहां आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा लग जाता है। नंबर 1, द्वारकाधीश मंदिर। एक मोक्ष का दरवाजा, दूसरा स्वर्ग का रास्ता। गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ है, जहां श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। साल भर यहां विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इसके अलावा यहां पर होली के दिन अलग ही धूम देखने को मिलती है। पूरे मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन के साथ साथ फूलों और रंगों से होली खेली जाती है। द्वारका के लोग इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह मंदिर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि इस मंदिर का महत्व जितना खास है, उतना ही इस मंदिर का समृद्ध इतिहास लोगों को अपनी ओर खींचता है। आज हम आपको श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और रहस्यों के बारे में बताएंगे। द्वारका के पीछे की कहानी क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वारका को श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी माना जाता है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद करीब 36 वर्षों तक शासन किया था। कहा जाता है कि जिस जगह पर श्री कृष्ण का महल था, उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। द्वारकाधीश मंदिर की मूर्ति का क्या है रहस्य? इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर का एक रहस्य भी है। जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है, उसमें रहस्यमय चुंबकीय गुण है जो धातु से बनी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। हालांकि मंदिर में मौजूद मूर्ति के अंदर क्या है, इस बात का खुलासा न तो अभी तक वैज्ञानिकों से हुआ और न ही धार्मिक गुरुओं से। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।